अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आर भारत के बाद एकाएक ही अपने तीखे बोलों के कारण चर्चा में आए न्यूज चैनल के कर्ता धर्ता अर्नब गोस्वामी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इच्छा के विरुद्ध खबर पाते हुए आजकल पत्रकारों की गिरफ्तारी आम बात हो चली है, लेकिन अर्नब की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अर्नब के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग इमरजेंसी की याद दिलाता है। सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी के खिलाफ व समर्थन में जंग छिड़ गई है। बहुत से लोग इसे भारत पर हमला बता रहे हैं, तो बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन सब के बीच यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मुंबई पुलिस ने गोस्वामी को गिरफ्तार आखिर क्यों किया और गिरफ्तारी के दौरान वहां क्या क्या हुआ। दरअसल अर्नब को बुधवार की सुबह 6:30 बजे उनके ही घर पर हिरासत में मुंबई पुलिस ने ले लिया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अर्नब को गिरफ्तार कर लिया। समझा जा सकता है कि यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और यदि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार होती तो इस गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्नब पर एक परिवार के सदस्य को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। बता दें कि आत्महत्या के लिए उकसाने का यह मामला मई 2018 का है। दरअसल 53 साल के अन्वय नाइक और उनकी माँ कुमुद नाइक ने अलीबाग में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के लिए अन्वय नाइक ने एक पत्र में 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। इसमें अन्वय ने अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सारडा को जिम्मेदार बताते हुए लिखा था कि उसके मेहनताने के 5,40,00,000 रुपए नहीं मिले, जिसकी वजह से वह कर्ज में डूबा है। अन्वय नाइक कॉनकर्ड डिजाइन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अन्वय की मां कुमुद नाइक भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी। इस कंपनी ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो और दफ्तर के डिजाइन का काम किया था। अन्वय नाइक की पत्नी के मुताबिक इस काम के बदले कंपनी ने जो बिल दिया था उसका भुगतान रिपब्लिक टीवी ने नहीं किया। उधर उस वक्त रिपब्लिक टीवी ने दावा किया था कि करार के मुताबिक वह भुगतान कर चुका है। खुदकुशी के बाद अन्वय की पत्नी की शिकायत व सुसाइड नोट के आधार पर अलीबाग पुलिस थाने में आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पर्याप्त सबूत न मिलने व आरोपों में सच्चाई न होने की बात कहते हुए केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया था। मई 2020 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की लिखित शिकायत पत्र पर एक बार फिर केस की जांच शुरू करने के आदेश दिए और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। आज तड़के पुलिस ने अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अर्नब ने मुंबई पुलिस पर मारपीट व बदसलूकी के भी आरोप लगाए हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।